आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहते, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं, कभी पसीना पोंछता हूं, तो कहते हैं देखिए मोदी को पसीना आ दिया। देखिए इनका जीने का सहारा, देखिए एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या कर। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, कभी इनके जन्मदिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे, आज उस हवाई जहाज में गरीब के लिए वैक्सीन जाता है। ये फर्क है आदरणीय अध्यक्ष जी। एक जमाना था, कभी ड्राई क्लीन के लिए कपड़े हवाई जहाज से आते थे, आज गरीब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी छुट्टी मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे, नौसेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे मौज मस्ती के लिए, आज उसी नौसेना के जहाज दूर देशों में फंसे भारतीयों को अपने घर लाने के लिए, गरीबों को अपने घर लाने के लिए
उपयोग में आते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग आचार व्यवहार चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात, कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात, कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी, यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस, कांग्रेस। नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है।